कोरोना संकट काल में सर्वाधिक प्रभावित होने वाला गरीब तबका दो वक्त की रोटी तक के लिए परेशान है। इसी कड़ी में कई सामाजिक संस्थाएं ऐसे लोगों का सहारा बनकर उभरी हैं। ऐसे ही एक सामाजिक संस्था है चामुंडा माता मंदिर समिति। पिछले लॉकडाउन में इस समिति ने भूखों तक भोजन पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया था वो सतत जारी है। आज भी ये संस्था मानवता का उदाहरण पेश करते हुए दोनों वक्त का 2000 से ज्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध करा रही है। संस्था में करीब 700 सदस्य हैं, जो इस मानवीय कार्य में अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इन सदस्यों के सहयोग से सुबह के चाय नाश्ते से लेकर दोपहर में करीब 1500 और शाम को करीब 600 से 700 लोग लाभ उठा रहे हैं। मंदिर के पास में सरकारी अस्पताल होने के कारण मरीजों के परिजनों को भी खाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी चामुंडा माता मंदिर समिति बखूबी निभा रही है। चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति के द्वारा प्रतिदिन सुबह एवं शाम को दोनों टाइम भोजन वितरण का कार्य किया जाता है एवं दो समय चाय का वितरण किया जाता है। सुबह के टाइम पे 1200 से 1500 व्यक्ति एक ही समय में एक ही स्थान पर यहाँ पर भोजन लेते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। संध्याकालीन आरती के पश्चात 600 से 700 जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर भोजन का वितरण कार्य किया जाता है। दोनों समय चाय का वितरण होता है। या पास में सिविल हॉस्पिटल है, प्रतिदिन यहाँ पर मरीज आते हैं बाहर से, जिनको भी जब भी भोजन की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर भोजनशाला से आकर भोजन प्राप्त करते हैं। 2016 से माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति, जिसका मैं संयोजक भी हूँ और मंदिर का पुजारी भी, ये निर्णय लिया कि यहाँ पे अन्न क्षेत्र चलाया जाए। तो सिंह से 2016 से ये अन्न क्षेत्र निरंतर चालू है। पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में कोविड में हमने यह सेवा करी और अभी भी सेवा कर रहे हैं समिति के लोग और भक्तगण यहाँ आ जाते हैं। तो 1500-1600 लोग सुबह भोजन करते हैं, 700-800 शाम को करते हैं और दोनों टाइम चाय का वितरण होता है।